नमस्कार, मैं रविश कुमार। गोवा में जितनी तेजी से लहरें नहीं बदलती हैं, उससे कहीं तेजी से विधायक पाला बदल लेते हैं। इस साल फरवरी में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस के 37 उम्मीदवार घूम घूम कर शपथ ले रहे थे कि वे जीत जाने पर पार्टी नहीं बदलेंगे। गोवा की जनता इस बात से परेशान है कि वह जिसे भी वोट देती है पार्टी बदल लेता है। बीजेपी के खिलाफ जिन कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट दिया था, उनके आज बीजेपी में चले जाने की खबर आ गई। कांग्रेस के 11 विधायकों में से 8 बीजेपी में चले गए हैं। इस साल जनवरी में जब चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस के 37 उम्मीदवार कभी चर्च में, कभी मंदिर में, तो कभी दरगाह में कसम खाते थे कि जीतने पर पार्टी नहीं बदलेंगे। इनमें से 11 जीते और 8 बीजेपी में चले गए। चुनाव के दौरान इन उम्मीदवारों को हमजा शाह दरगाह, बाम्बोलिम क्रॉस और महालक्ष्मी टेम्पल ले जाया गया, जहां उन्होंने कसम खाई कि जीतने पर पार्टी नहीं बदलेंगे। महालक्ष्मी आदि शक्ति का रूप मानी जाती हैं। इनके सामने कोई शपथ ले ले कि दल नहीं बदलेंगे और वह दल बदलकर उस दल में नहीं जाएंगे जो देवी देवताओं के नाम पर कब आहत हो जाए पता नहीं चलता। बीजेपी ने भी महालक्ष्मी से वादा कर तोड़ने वालों को अपनी पार्टी में कैसे ले लिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मर्यादा राम की यही तो पहचान है, वचन दे दिया तो पलट नहीं सकते। लेकिन यहाँ वचन तोड़कर उसी पार्टी में चले गए जो राम को अपना आदर्श मानती है। इसमें आपको अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है आपने देखना बंद कर दिया है। क्या ऐसे लोग भी बीजेपी में आ सकते हैं जो ईश्वर से किया गया वचन तोड़ देते हैं या वोट के लिए नकली शपथ लेते हैं? राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति से राजनीति में क्या कोई नया नैतिक मूल्य स्थापित होता है? मुझे तो नहीं लगता कि होता है। विपक्ष को खत्म करने से क्या लोकतंत्र मजबूत होता है? वो भी उनके सहारे जिन्होंने चर्च, दरगाह और मंदिर में शपथ लेकर तोड़ दी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दिगंबर कामत चर्च में शपथ ले रहे हैं, कभी मंदिर में शपथ ले रहे हैं कि दूसरे दलों में नहीं जाएंगे। काम करतले अरे यार राजा खातिर वावुरतले अरे यार राजा खातिर वावुरतले कोणे कितने आमिष दाखले कोणे कितले आमिष दाखले पंचायत परिषदेत काँग्रेस पक्ष सोडून वसपाचे ना पंचायत परिषदेत काँग्रेस पक्ष सोडून वसपाचे ना पप्पा आमचे पैसा गोवा में पूछा जा रहा है कि देवी देवताओं के सामने दल न बदलने की शपथ ली थी, उसे क्यों तोड़ दिया। इस पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए दिगंबर कामत का बयान दिलचस्प है। दिगंबर कामत ने कहा कि वे मंदिर गए थे, देवी देवताओं से पूछा तो उन्होंने कहा डोंट वरी गो अहेड, यानी चिंता मत करो, आगे बढ़ चलो। गॉड सेड गो अहेड डोंट वरी। दिगंबर कामत कह रहे हैं कि उन्होंने भगवान से बात कर ली है, भगवान ने उनसे कह दिया कि परिस्थिति के हिसाब से फैसला कर लो। अगर आप लोगों की किसी वजह से भगवान से बात नहीं हो पा रही है, तो दिगंबर कामत जी से संपर्क कर लीजिए, क्या पता वे तरीका बता दें। अगर लोकतंत्र में जनता का विवेक इस स्तर का होगा, तो यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि कोई नेता अरस्तु या प्लेटो का सिद्धांत पब्लिक में बांचेगा। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप ने मिडिल क्लास की राजनीतिक समझ को जिस तरह से रौंद दिया है कि अब उसके लायक इसी तरह के बयान बच गए हैं। दिगंबर कामत गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। इन दिनों कौन दिल से जाता है, कौन बिक जाता है और कौन जांच एजेंसियों के डर से जाता है पता नहीं चलता। यह कहानी न आज शुरू हुई है न आज के बाद खत्म होगी। पहले अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए जितने विधायक चाहिए होते थे उतने ही तोड़े जाते थे कम बेसी मिलाकर। अब विपक्ष को खत्म करने के लिए दल बदल कराया जाता है। आप कांग्रेस के उम्मीदवारों को एक और बार शपथ लेते हुए देखिए और गेस कीजिए कि कौन है जो इनमें से सबसे गंभीर नजर आ रहा है। इनमें से जो सबसे आगे हैं दिगंबर कामत, उन्होंने ही अपना वादा तोड़ा। मार्च 2019 में उनका एक बयान है कि बीजेपी के साथ जाना राजनीतिक रूप से आत्महत्या करना होगा। 2022 में बीजेपी में चले गए। जो विधायक चर्च और मंदिर में किए गए वादे को तोड़ सकते हैं, वो राहुल गांधी के साथ झूठी शपथ क्यों नहीं ले सकते हैं? भारतीय घटने साक्षी दौरों सपूत कहता की हाँ 2022 गोय राज्य विधानसभा वेचणुकेत
राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल पी चिदंबरम भी साथ साथ खड़े हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार शपथ ले रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए पार्टी नहीं बदलेंगे। यहां शपथ लेने से पहले इन लोगों ने जनवरी में एक हलफनामे पर साइन किया जिसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भेजा गया। इन्होंने वादा किया था कि जीत गए तो 5 साल तक दल बदल नहीं करेंगे, लेकिन यहां तो 6 महीने के भीतर ही पार्टी बदल ली। ये लोग कोंकणी में शपथ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायकी से इस्तीफा देकर भी दूसरे दल में नहीं जाएंगे, ना ही दूसरे दल से चुनाव लड़ेंगे। इनमें से जीते हुए 8 विधायकों ने पार्टी बदल ली है। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। 2019 में कांग्रेस के 15 विधायकों में से 10 बीजेपी में चले गए। विपक्ष को वोट देने से क्या फायदा हुआ? देश में दल बदल कानून है जिसकी भावना यही है कि विधायक पार्टियां ना बदलें, मगर अब तो 2/3 विधायक दल बदल करने लगे हैं। इस कानून के आने के कई साल तक भारत की राजनीति में दल बदल थोड़ा तो थमा था, लेकिन अब फिर से यह आम हो चला है। कांग्रेस की सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने बयान जारी किया है कि सारी राजनीतिक शुचिताओं ईमानदारी को ताक पर रखकर धन और सत्ता की लालच में जिन 8 विधायकों ने दल बदला है वे अपनी बेशर्मी स्वार्थीपन लोभ का इजहार कर रहे हैं। गोवा के लोगों की पीठ में छुरी मारी गई है, उनका भरोसा तोड़ा गया है। गोवा की जनता इस बात को नोट करेगी कि पितृपक्ष में जब पूर्वजों का ऋण चुकाया जाता है इन विधायकों ने चालाकी की, झूठ का सहारा लिया। हम हमेशा ही दल बदल को जनादेश के साथ धोखे के रूप में देखते हैं, लेकिन यह उससे भी ज्यादा है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है, ईश्वर का भी मजाक उड़ाता है। बीजेपी ने लोकतांत्रिक राजनीति को गर्त में पहुंचा दिया है, गोवा का मजाक उड़ रहा है। बीजेपी जनता के प्रतिनिधियों को लेन देन का सामान समझती है, गेहूं की बोरी समझती है जिसे दाम देकर खरीदा जा सकता है। विजय सरदेसाई ने यह सब लिखा है। गोवा की राजनीति का वाकई मजाक उड़ रहा है, वहां की जनता क्या करे। लेकिन ऐसा केवल गोवा में नहीं होता, विधायक कहीं के भी बिक जाते हैं या जांच एजेंसियां लगाकर तोड़े जा सकते हैं। हमारा एक सवाल है, जब उम्मीदवार जनता के सामने लिखित हलफनामा देता है, मंदिर से लेकर दरगाह में जाकर कसमें खाता है, दल बदल कर लेता है, तब चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? अगर उसका कोई अधिकार नहीं बनता है चुनाव आयोग का, तो फिर वह इसकी इजाजत क्यों देता है कि एक उम्मीदवार हलफनामा देकर झूठ बोले? अगर आयोग के पास इसे रोकने का अधिकार नहीं है तो इस पर बात होनी चाहिए, अधिकार दिए जाने चाहिए। एडीआर ने एक रिसर्च किया है जो वायर में छपा था कि 2016 से 20 के बीच जितने भी विधायकों ने दल बदल किए हैं उनमें से 45% बीजेपी में गए हैं। जितने भी विधायकों ने दल बदले हैं उनमें से सबसे अधिक कांग्रेस के रहे हैं, करीब 42%। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको रोका, आपको सीडब्ल्यूसी में परमानेंट इनवाइटी बनाया। वो कहानियां मुझे नहीं चाहिए। मेरा वर्कर्स का कहना है, तुम 2 साल के लिए तुमको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जब 5 बाकी थे, उसके पहले कभी नहीं बनाया। 5 साल मैंने स्टेबल गवर्नमेंट दिया, स्टेबल गवर्नमेंट बिल्कुल दी। गोवा राज्य बनने के बाद, स्टेटहुड मिलने के बाद अगर कोई चीफ मिनिस्टर 5 साल कंप्लीट किया तो वो दिगंबर कामत है। बाकी किसी भी मुख्यमंत्री ने कंटिन्यूअसली 5 साल कंप्लीट नहीं किया, आप रिकॉर्ड देखो। तो ऐसे आदमी को तुम लोग इलेक्शन के बाद बिना कंसल्टेशन कुछ ये करने के हुए तुम एक चिट्ठी भेजते हो कि यू आर अपॉइंटेड सीडब्ल्यूसी मेंबर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन से मुक्त करते हो। राहुल गांधी ने आपसे बात नहीं की? किसी ने बात नहीं किया, किसी ने मुझे दिल्ली नहीं बुलाया, डिस्कशन के लिए नहीं कहा। आज क्या कर रही है कांग्रेस? जो आपका पुराना वीडियो था महालक्ष्मी मंदिर का जिसमें आपने ओथ ली थी, शपथ ली थी कि पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो ट्वीट कर रहे हैं। मैं भगवान में पूरा विश्वास करने, पूरा गोवा जानता है दिगंबर कामत भगवान में विश्वास करता है। तो लोग कह रहे शपथ तोड़ दी आपने, भगवान के सामने शपथ ली, भगवान की भक्ति मुझे किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ शपथ नहीं तोड़ी है, जो कहना है वो मैंने भगवान के सामने रखा है, जो भगवान ने निर्णय दिया वो मुझे मान्य हो गया। तो थोड़ा समझाइए भगवान ने कैसे निर्णय दिया। गोवा में भगवान के यहाँ आप हर मंदिर में जाके देखो, एक लिंग रहता है और लिंग में फूल लगाते हैं, और कुछ भी काम है लोगों का, कोई बीमार हो गया तो हम वहाँ जाते हैं प्रसाद लेने, उसको प्रसाद बोलते हैं। और अच्छा प्रसाद, पर्टिकुलर एक फ्लावर है उसका मीनिंग हर पंडित को मालूम रहता है, तो हम कहते हैं कि ये ऐसा है, अगर करने का है तो ये फ्लावर दे दो, नहीं करने का है तो ये फ्लावर दे दो।
तो मैंने महालक्ष्मी देवी के सामने मेरी बात रखी, मैंने बोला हाँ महालक्ष्मी के मंदिर में पंजी में गया था, पंडित ने वहाँ हमको बोला था, ऐसा एक वो लिया था। अगर कोई उम्मीदवार लिख कर दे दे कि दल बदल नहीं करेगा और जीत कर दल बदल कर ले तो जनता क्या कर लेगी? कोई नेता उसे ठग ले तो जनता क्या कर सकती है? इस तरह थोक के भाव में दल बदल हुए जा रहे हैं। शिवसेना जब टूट रही थी तब भी गोवा चर्चा में आया, लेकिन इन विधायकों ने जिस तरह से डांस किया उससे पहली बार लगा कि दल बदल काफी कूल चीज है, हैपनिंग। वरना हमारे विधायक केवल उद्घाटन या बयान देते दिखते हैं, इस तरह डांस कर दल बदल का जश्न मनाने का यह दृश्य ऐतिहासिक है और प्रमाण है कि अब लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में जैसा मैसेज आएगा वही मानेंगे, इसी लायक बचे हैं। बहुत बुरा लगेगा तो कह देंगे पहले भी होता था, पहले गलत होता था तो अब भी गलत हो, यह सवाल पूछने का टाइम कहाँ मिलता है, खासकर तब जब इतना अच्छा डांस चल रहा हो। प्राइवेट जेट से लेकर 5 स्टार का खर्चा कौन देता है, कौन इतने कमरों का बिल भरता है, यह सब आप नहीं जान सकते। इसलिए आप भी डांस सीख लीजिए। जांच एजेंसियों के छापे पड़ते ही सरकार के गिरने और बनने की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। गोवा के विधायक बीजेपी में जाकर राष्ट्र की सेवा करने के लिए इतने बेचैन थे कि महालक्ष्मी मंदिर में किया गया वादा भी तोड़ा है। आप सरकार से सवाल कर दें तो बीजेपी के प्रवक्ता झट से गद्दार कह देंगे, लेकिन यहां तो देवी से किया गया वादा तोड़कर आराम से कांग्रेस के विधायक, बीजेपी के नेता और गोवा के मुख्यमंत्री के सामने प्रसन्न भाव से बैठे नजर आ रहे हैं। दल बदल कानून का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, बल्कि नया कानून बनना चाहिए कि विधायक 5 साल के दौरान अगर चाहें तो रोज पार्टी बदल सकते हैं, उसे जो भी पैसा देगा उसके घर जाकर पार्टी कर सकते हैं। वैसे दल बदल करने वालों से बीजेपी भी डरती है, भले ही छोटे स्तर पर डरती है, लेकिन कई बार उसका यह डर इतना बड़ा हो जाता है कि प्रयागराज ले जाकर गंगा में शपथ दिलवाने लग जाती है। पंचायत के चुनाव में जिस भी व्यक्ति का समर्थन करेंगे हम सब मन क्रम वचन से उसका साथ देंगे। यह माँ गंगा के किनारे सब समझ लेते हैं, गंगा मैया की। इसी साल जब मणिपुर में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब बीजेपी ने भी अपने सदस्यों से सहयोग पत्र पर दस्तखत कराए ताकि वे पाला न बदलें। कांग्रेस ने भी यही किया। कांग्रेस तो अपने उम्मीदवारों को बकायदा इम्फाल के कांगला फोर्ट ले गई और शपथ दिलाई गई थी। टुडे ऑन दिस ऑस्पिशियस डे आई सेकंडेड फ्रॉम Solemnly affirm and swear in the name of God that I will remain. कांग्रेस ही नहीं टूट रही, अन्य विपक्षी दलों के विधायक भी तोड़े जा चुके हैं, टूट रहे हैं। हाल ही में बिहार में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने हाथ मिलाया तो उसके कुछ दिन बाद जदयू को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। सरकार बनने के 1 सप्ताह के भीतर मणिपुर में जदयू के 6 विधायकों में से 5 बीजेपी में चले गए। स्पीकर ने तुरंत ही 5 विधायकों का बीजेपी में विलय करा दिया क्योंकि 2/3 विधायकों ने दल बदल किया था। अभी अभी तो चुनाव हुए थे, नीतीश ने कहा था कि मणिपुर में उनकी पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेगी, लेकिन उनकी पार्टी ही बीजेपी में चली गई। जब 60 सीटों वाले मणिपुर विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 55 विधायकों का समर्थन था, अगर जदयू के 6 विधायक भी अलग हो जाते तब भी सत्तारूढ़ गठबंधन की संख्या 48 होती। बहुमत का आंकड़ा 31 से काफी ऊपर है। इसके पहले भी 2020 में बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 7 में से 6 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया था। अब तक जो 1 विधायक बचे थे वो अब मिला लिए गए हैं। ये अच्छा है, चुनाव भले न जीते विपक्ष को तोड़कर विपक्ष को साफ कर दें और सरकार बना लें। महाराष्ट्र में जो हुआ आपके सामने ताजा ताजा है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भी जदयू का संपूर्ण विलय बीजेपी में हो गया। केवल गोवा में ऐसा नहीं होता है। यह पैटर्न बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की राजनीति गंभीरता से करते हैं। यह एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि विपक्ष अगर हमेशा कमजोर दिखता रहे तो उनका विकल्प दिखाई नहीं देगा।
विपक्ष कमजोर ही है, लेकिन बार बार उसे कमजोर साबित किया जाता रहे ताकि लोगों को लगे कि विपक्ष की जरूरत नहीं है। जिस स्तर पर दल बदल हो रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। कौन गया इस पर तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन जाने वाला कैसे गया, उसके पीछे कितने दिनों से होमवर्क हुआ, होमवर्क में क्या हुआ, डराया गया, पैसा दिया गया, कोई फाइल दिखा दी गई, इन सब बातों की जानकारी किसी के पास है नहीं। बस सब चर्चाओं में ये सारी बातें आ जाती हैं। पर्दे के पीछे कोई नहीं जाना चाहता है। कई बार लगता है कि जहां भी कोई नंबर दो है या थोड़ा सा प्रभावशाली है उस पर काम शुरू हो जाता होगा, मौका देखकर तोड़ लिया जाता होगा। ऐसे कई नेताओं के नाम आप देख सकते हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए या बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे भी शिवसेना में ताकतवर माने जाते थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत कर बीजेपी से गठबंधन कर लिया। एनसीपी में नंबर टू अजीत पवार तो दो दिन के लिए बीजेपी के साथ चले भी गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा में बसपा के नेता थे, बीजेपी में चले गए। हरक सिंह रावत उत्तराखंड कांग्रेस में नंबर टू थे, बीजेपी में चले गए। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के प्रमुख थे, बीजेपी में चले गए। मुकुल रॉय तृणमूल में नंबर दो माने जाते थे, बीजेपी में गए, अब लौट आए हैं। विपक्ष को कई तरीकों से खत्म किया जा रहा है। गोदी मीडिया के जरिए लगातार हमला कर लोगों की निगाह में विपक्ष को गैर जरूरी बताया जाता है। जिस तरह से हर दल से लोग केवल एक ही दल में जा रहे हैं वो कहीं से सामान्य प्रक्रिया नहीं है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस कहती है कि वो भारत को जोड़ने निकली है, महंगाई बेरोजगारी के सवालों को लेकर जनता के बीच जाने निकली है, क्योंकि गोदी मीडिया विपक्ष और जनता की आवाज़ को दबाता है। लेकिन चर्चाओं में यह बात उतनी प्रमुखता से आ रही है कि कांग्रेस खुद का आधार तलाश रही है, अपने कमजोर घर को मजबूत करने निकली है। इसी समय गोवा से उसके विधायकों के बीजेपी में जाने की खबर आई है। यह केवल तुरुप का पत्ता नहीं है बल्कि बता रहा है कि राजनीति में क्या चलने वाला है। जब समय जवाबदेही का आएगा, सवालों का आएगा, दल बदल या किसी विपक्षी दल पर हमला होगा, बहस बदल जाएगी। ये ऑपरेशन कमल और ऑपरेशन लोटस का एक और नमूना है, और वो ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल जिसको आप में से आपके कुछ साथी चाणक्य नीति बताते हैं, वो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, वो देश की संस्थाओं का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। मुझे नहीं पता कि ये लोग पैसे के लोभ में, पद के लोभ में, या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से वहां गए हैं, लेकिन अमूमन देखा यह गया है कि जो जाता है वो गंगा नहाकर सारे दाग धब्बे धोकर साफ हो जाता है और बाकियों के पीछे एजेंसीज छोड़ी जाती हैं। मेरा अपना मानना यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जो हम कर रहे हैं और उसमें जिस तरह का जनसंवाद हो रहा है, उसमें जिस तरह से जनता का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, उसने भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन खिसका दी है। होश फाख्ता है इन लोगों के। जब सोते कहाँ हैं, पहनते क्या हैं, खाते क्या हैं, किससे बात करते हैं, पर बात नहीं बनी तो धर्म पर भी आकर कोशिश हुई, उससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। तो अब ये किया जा रहा है। आप ऐसे ऑपरेशन करते रहिए, आपको लगता है इससे डर कर हम चुप हो जाएंगे? मुझे लगता है देश आपको नमूना दिखा रहा है। गोवा के उन एमएलएज ने, उन विधायक ने जब लोगों से जाकर वोट मांगा था तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने लिए वोट मांगा था। किस मुंह से आज आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी, मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्र हित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। दल बदल की सारी जिम्मेदारी दूसरे दल पर नहीं डाल सकते, लेकिन इस पैटर्न की गहरी पड़ताल करनी होगी। इसके कारण इतने सरल भी नहीं है। जहां दो तिहाई नहीं तोड़ा जा सकता वहां विपक्षी दल का विधायक इस्तीफा दे देता है। गुजरात और कर्नाटक में यह हो चुका है। एक पैटर्न और है, विपक्ष के बड़े नेताओं को पीछे पीछे सपोर्ट मिलता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद का उदाहरण दिया जा सकता है। चुनाव से पहले कैप्टन बीजेपी के नजदीक आते नजर आए और जब चुनाव होता है तो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कुल मिलाकर यह बहुत आसान तर्क है कि अपना घर संभाल नहीं सकते तो बीजेपी पर इल्जाम लगा दिया। यह बात सही भी है, लेकिन केवल यही बात नहीं है।
क्या हम कभी पर्दा हटाकर उन मुश्किल सवालों को देखना चाहेंगे? बसपा, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, जदयू, कांग्रेस, हर दल ही टूट रहे हैं। हर पार्टी के भीतर यह खतरा बड़ा हो रहा है। 2017 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को भी शपथ दिलानी पड़ गई थी। लालच बहुत किस्म के होंगे, उस लालच में नहीं बहना अपने को किसी को भी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे यार आम आदमी पार्टी वाले भी ऐसे निकले। तो ठेठ ईमानदारी के साथ काम करना है। दल बदल कानून का अब कोई मतलब नहीं रहा। दो तिहाई की बंदिश बेकार हो गई। हमने जगदीप छोकर जी से पूछा कि इसे रोकने का कोई रास्ता भी है, कोई तरीका है? अगर इसी तरह विपक्ष की बेंच खाली होती रही तब विपक्ष का मतलब क्या रह जाएगा? जो विधायक एक दफा एक पार्टी के नाम पे चुना जाए और वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाए तो उसकी सदस्यता भंग हो जानी चाहिए। उसकी सदस्यता भंग होने के साथ साथ उस पर एक ये रोक लगनी चाहिए कि जब तक ये सेशन चल रहा है वो किसी दूसरी पार्टी से या जो उसका स्थान रिक्त होता है उस पे वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। एक तो स्टेप ये है, लेकिन ये स्टेप लेने से जो एक नतीजा ये निकलेगा कि विधायकों पे राजनीतिक दलों का कंट्रोल और बढ़ जाएगा। उस कंट्रोल को मॉडरेट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कानून बने कि लोग के राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र हो और वो आंतरिक लोकतंत्र ऐसा हो जो दिखाई दे, जिसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेबल इंटरनल डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष आंतरिक लोकतंत्र। ये नहीं है कि कोई कह दे कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं और ये हो गया वो हो गया। वो बाहर से देखने वालों को दिखना चाहिए कि ये लोकतंत्र है इनके अंदर। क्या पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच समझौता हो गया है? 28 महीनों से जो तनातनी चल रही थी वो अब खत्म होने की दिशा में है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग और गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। इस बात की पुष्टि सेना और सैटेलाइट इमेज की तस्वीरों से भी मिली है। राजीव रंजन की यह रिपोर्ट। उपग्रह से ली गई ये तस्वीरें हैं पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके की। सेना के मुताबिक चीन के साथ इस इलाके में तनाव काफी घट गया है। हॉट स्प्रिंग और गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई है। दोनों ही ओर से यहां अस्थायी निर्माण और बंकर तोड़ दिए गए हैं और इस बात की पुष्टि दोनों देशों के स्थानीय कमांडरों ने जमीनी स्तर पर भी कर ली है। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि दोनों देशों की सेनाएं उस जगह लौट आई है जहां वो अप्रैल 2020 से पहले थी। जानकारों को उम्मीद है कि इससे सीमा पर चीन के साथ तनाव और टकराव में कमी आएगी। India's External Affairs Minister Jay Shankar. बाली में भारतीय विदेश मंत्री एस जय शंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। 16वें दौर की सीमा वार्ता के बाद तनाव कम होने के कुछ संकेत मिले थे, तो आप इसे उसी दिशा में मान सकते हैं। दोनों देशों के नेता SEO सम्मेलन में मिल रहे हैं, वहाँ वो एक ही छत के नीचे होंगे, तो हो सकता है उससे पहले तनाव घटाने के लिए भी ऐसा किया गया हो। मैं मानती हूँ कि दोनों देशों की वार्ताओं के बाद सेनाएं कुछ पीछे हट रही हैं। Discussions between the two countries. इससे पहले पिछले साल भारत और चीन की सेनाएं विवाद से जुड़ी जगहों गलवान, पेंगोंग झील और गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से पीछे हट चुकी थी। हालांकि कई जगहों पर अब भी दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग के लिए वहां नहीं जा रही है जहां वो पहले जाया करती थी। इन इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं के जवान आमने सामने टकराव की स्थिति में ना आए, इसके लिए बफर जोन बनाए गए हैं। सेना के मुताबिक अब चीन से बातचीत डेमचोक और देवसांग प्लेन्स को लेकर होगी जहां तनाव अब भी बना हुआ है। नेता जो हमारे एससीओ देशों के जो नेता यहाँ पे आ रहे हैं वो जब आपस में मिलेंगे तो वो आपसी बातें कर सकते हैं। एससीओ के प्लेटफॉर्म पे कोई द्विपक्षीय बात नहीं लाई जाती, उसमें तो हम एससीओ देश के जो कॉमन जो मुद्दे हैं
या विश्व के जो कई मुद्दे हैं वैश्विक स्तर पे जो है उन चीजों पे बातें होती हैं, द्विपक्षीय मुद्दों पे बातें नहीं होती हैं। क्या कोई ऐसा प्लान है कि एससीओ समिट के दौरान ही रशिया, चाइना और पाकिस्तान के मुल्क के हेड से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हो? इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बन रहा है, जैसा कि बताया गया है कि कुछ बायलैटरल मीटिंग्स हम उम्मीद कर सकते हैं कि होंगी। हमें सभी को वेट करना पड़ेगा कि कौन सी मीटिंग्स होंगी। 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रही संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक में सीमा विवाद अहम मुद्दा रहेगा। चीन ने अब भी सीमा पर करीब 50,000 सैनिक तैनात किए हुए हैं। जवाब में भारत ने भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इतने ही सैनिकों की मोर्चाबंदी की हुई है। भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ भले ही कुछ पिघलती नजर आ रही है, लेकिन हालात बदलने के लिए इस मामले में अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है और यह परस्पर बातचीत से ही संभव है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन कांग्रेस इस समझौते को अलग निगाह से देख रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि चीन ने भारत की बात नहीं मानी है। उनके अनुसार भारत चाहता था कि अप्रैल 2020 की स्थिति को बहाल किया जाए, चीन ने नहीं माना। राहुल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने बिना लड़े चीन को 1000 वर्ग किलोमीटर इलाका दे दिया। क्या भारत सरकार बताएगी कि इसे कैसे वापस लिया जाएगा? कि आखिर अप्रैल 2020 की पहले की यथावत स्थिति, स्टेटस को एंटे, जिसका आपने वादा किया था मेंटेन करने का, उसको मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं हमारे जहां पर सैनिक सेना गश्त करती थी वहां पर आज गश्त कर पा रही है? हमारा सवाल है कि क्या भारतीय सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान घाटी में, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग्स में, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा में आज गश्त कर सकती है? क्योंकि अप्रैल 2020 के पहले हम यहां पर गश्त कर रहे थे। डेपसोंग और डेमचोक को लेकर सरकार की क्या नीति है, आज यह भी पूछना जरूरी है। आज यह भी पूछना जरूरी है कि अरुणाचल में चीन एक गांव बसा देता है, हमारे नागरिकों का अपहरण कर लेता है, अतिक्रमण करता है, सरकार का मौन क्यों है? मोदी जी, वो लाल आंखें आप कब खोलेंगे? या चीनी प्रेम में आप वो लाल आंखें भी भूल गए हैं और आपकी 56 इंच की तथाकथित छाती भी कुंद हो गई है? असलियत सिर्फ ये है, चीनी प्रेम आपको छोड़ना पड़ेगा और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र हित में काम करना पड़ेगा। क्योंकि चीन समझ चुका है कि यह सरकार सिर्फ प्रचार के लिए काम करती है। अगर ऐसा ना होता तो डोकलाम में फ्रिक्शन पॉइंट से चीन पीछे हुआ, पर सारे प्लाटो पर चीन ने फोर्टिफिकेशन किया, वहां पे अतिक्रमण किया, आज भी मौजूद है। 13 सितंबर को कोलकाता में बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन को लेकर एक तस्वीर आई कि कोलकाता पुलिस प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारों से हमला कर रही है, उन्हें रोक रही है। लेकिन जो दूसरी तस्वीरें आई हैं उसे लेकर बात करने की जरूरत है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से पुलिस को मारा है, बल्कि एक वीडियो में एक पुलिस अधिकारी को बार बार घेर कर मारते देखा गया है। पुलिस की जीप जला दी गई। कोलकाता पुलिस का दावा है कि उसने 4 लोगों को इस आरोप में गिरफ्तार किया है और इनके संबंध कथित रूप से बीजेपी से हैं। कई लोग फरार हैं। अगर यही दिल्ली में हुआ होता तो सब पर यूएपीए की धारा लगा दी गई होती, बुलडोजर चला दिया गया होता और एनआईए जांच कर रही होती। लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि आने वाले दिन किस तरह के होने वाले हैं।
कोलकाता के बड़ा बाजार इलाका में है, जहां पे आप देख सकते हैं पुलिस के गाड़ी को पूरी तरीके से जलाया गया है। ये तीन तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं कैसे पुलिस की जो गाड़ी है पूरी तरीके से जला गया है। जो बीजेपी के प्रोटेस्टर्स थे उनके द्वारा ये काम किया गया, ऐसे यहाँ के जो लोकल है जो आई विटनेस है वो बता रहा है। आप देख सकते हैं टायर से गाड़ी से अभी भी धुआं निकल रहे हैं यहाँ से, और ये जलाया गया है। हमारे साथ एक आई विटनेस है जो यहाँ पे थे, क्या हुआ भाई साहब? आपका नाम बताइए और क्या हुआ बताइए। सर मैं संजय शर्मा हूँ, मैं इस इलाके में काम करता हूँ, और इस टाइम से जा रहा था हावड़ा ब्रिज से, इन लोग मिचिल सेंट्रल एवेन्यू के सर पूरे ग्रुप के रूप में जा रहे थे, उसमें से कुछ लोग राइट साइड में ट्राम लाइन में गाड़ी पुलिस का गाड़ी देखा और उसमें मार ईंट पत्थर वगैरह से मार पीट चालू कर दिया, और उसके बाद कोई इसमें आग भी लगा दिया थीरे से चिंगारी टाइप से, और इस टाइप से पूरा यहाँ के माहौल को पूरा टेम्परामेंट कर दिया, पूरा डिस्टर्बेंस कर दिया विद इन 30 मिनट बिफोर। अनुराग द्वारी ने पोषण आहार घोटाले को लेकर एक रिपोर्ट की, आज इस पर मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा होनी थी, लेकिन सारी चर्चा इसी बात में गुजर गई कि पहले कौन बोलेगा, कांग्रेस या बीजेपी। अकाउंटेंट जनरल की 36 पन्नों की वो गोपनीय रिपोर्ट मिली है, कई आंगनबाड़ी कर्मियों को धमका कर उनसे लिखित में लिया जा रहा है कि उनके यहाँ टेक होम राशन में कोई विसंगति नहीं है। आखिर गरीब मरता भी है तो परवाह किसे है? मध्य प्रदेश में महालेखाकार की रिपोर्ट के हवाले से जब एनडीटीवी ने पोषण आहार में गड़बड़ी की परतें लगातार उधेड़ी तो शिवराज सरकार पर चौतरफा हमला हुआ। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टनों राशन कागजों में ट्रक पर चला, लेकिन हकीकत में मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर में बेसलाइन सर्वे पूरा नहीं हुआ। स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या 9000 बताई, लेकिन महिला बाल विकास ने 36 लाख से ज्यादा को राशन बांटा। महिला बाल विकास विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है तो देश भर से विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी। बुधवार को विपक्ष के 15 सदस्य इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाए, लेकिन सरकार के मुखिया पहले वक्तव्य देना चाहते थे। 45 मिनट इसी पर हंगामा हुआ, हंगामा होता रहा और बाद में मुख्यमंत्री बोलते रहे, उनके खिलाफ नारे लगते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा ये सीएजी नहीं मध्य प्रदेश के एजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट है, रिपोर्ट 2018-2021 की है, यानी कांग्रेस के शासन के 15 महीने भी। 36 लाख का आंकड़ा राज्य की 11 से 14 वर्ष की लड़कियों की कुल संख्या है। बेसलाइन सर्वे का रिपोर्ट सितंबर 2018 में भारत सरकार को भेजी थी। 2018 से 2021 तक हितग्राही बालिकाओं की कुल संख्या 5,51,000 ही है। कांग्रेस ने पोषण आहार व्यवस्था को माफिया मुक्त रखने के हमारे फैसले को बदल दिया। ड्राफ्ट रिपोर्ट में 84 चालानों का नंबर ट्रक नहीं दूसरे वाहन का है। इस 84 में से 31 चालान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के हैं। बिजली की खपत और उत्पादन की विसंगति के वक्त कांग्रेस का शासन था। जब पोषण आहार की गुणवत्ता खराब मिली, कांग्रेस सत्ता में थी, हमने 35 करोड़ रुपए का भुगतान रोका। 104 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें से 6 बर्खास्त हुए, 22 निलंबित, 40 के खिलाफ विभागीय जाँच चल रही है। कांग्रेस इसका जवाब देती, लेकिन वो नियमों के तहत चर्चा की मांग करती रही, मुख्यमंत्री बयान देते रहे। लेकिन कांग्रेस को चर्चा से भागना, उनको तथ्यों से मतलब नहीं, और इसलिए जब मैं वक्तव्य दे रहा था तब उन्होंने हंगामा किया और सारी बातें ठीक से ना आ पाए इस बात का प्रयास किया। जिस कुपोषण को लेकर मध्य प्रदेश कलंकित है, उसका पोषण खाने वाले पे मुख्यमंत्री का वक्तव्य आता है, वो नहीं पूछता है कि विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं। ये तो तथ्य है ना कि 2018 से 21 के बीच में कांग्रेस बीजेपी दोनों शासन में रही। नो, पर ये घोटाला कब का है? 200 करोड़ रुपए से ऊपर का राशन बटा 20 मार्च के बाद 20 जुलाई तक, मतलब वो लॉकडाउन का पीरियड है, इसलिए घोटाले का पीरियड जो सीएजी ने भी उठाया उस पीरियड का उठाया। नहीं नहीं बिल्कुल आप लेकिन फिर भी अगर दोनों की सरकार है और दोनों में से कोई भी दोषी हो तो सजा दो, हम आपके साथ हैं। वैसे मुख्यमंत्री ने सदन में ड्राफ्ट रिपोर्ट के खत का पहला पैरा तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे 12 अगस्त को महिला बाल विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजी गई रिपोर्ट के आखिरी पैरे में साफ लिखा गया था कि 2 हफ्ते तक जवाब नहीं मिला तो माना जाएगा कोई जवाब नहीं है और इसे क्या 2020-21 की रिपोर्ट में भेज दिया जाएगा। सरकार के बयान से ये तो साफ हो गया कि 2 हफ्ते तो छोड़िए,
महीने भर में भी जवाब नहीं भेजा गया है। सरकार ने एक सबसे अहम सवाल का जवाब भी नहीं दिया। जब हमने मुख्यमंत्री से पूछा कि मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर में नंबर वन और महिला मृत्यु दर में दूसरी पायदान पर क्यों है, तो वो चुप पिसाद कर निकल गए। पोषण आहार में कथित तौर पर घोटाला एक गंभीर मामला है। सत्ता पक्ष इस मसले पर अपना पक्ष रखने के लिए बेताब था, तो विपक्ष हमला करने के लिए। लेकिन आलम यह था कि 45 मिनट सिर्फ इस बात में गुजर गए कि पहले भाषण कौन देगा, उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना बयान दिया और इस सर्वदलीय घोटाले पर सर्वदलीय चुप्पी छा गई। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। गोदी मीडिया पर फिर से हिंदू मुस्लिम मसलों को लेकर डिबेट बढ़ने लगे हैं, ताकि जिनके भीतर जहर भरा गया है, जहर कम ना हो। हो सके तो खुद को इस जहर से बचा लीजिएगा, ब्रेक ले लीजिएगा। महाराष्ट्र काफी समय से जिस निवेश को राज्य में लाने का प्रयास कर रहा था और बातचीत निर्णायक चरण में पहुंच गई थी, वो प्रोजेक्ट 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश से गुजरात को ऐसे समय में मिल गया है जब राज्य विधानसभा चुनाव के करीब है। इसे लेकर राजनीति हो रही है, बहुत सारी बातें हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के हाथों से ये बड़ा प्रोजेक्ट फिसल चुका है। 1 लाख से ज्यादा रोजगार का दावा और देश में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश से सेमीकंडक्टर बनाने वाले संयुक्त प्रोजेक्ट की गुजरात में आने की घोषणा हुई है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कारों, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है। फिलहाल भारत में इसका निर्माण नहीं होता। ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन और भारत की कंपनी वेदांता की भागीदारी में ये प्रोजेक्ट जून जुलाई तक महाराष्ट्र के पुणे में आने वाला था, लेकिन वेदांता ग्रुप ने घोषणा की कि प्रोजेक्ट गुजरात में लाया जा रहा है। आज पूरी वॉर चल रही है अमेरिका में कि ताइवान को ले लेना है, क्योंकि वहां सेमीकंडक्टर है, ग्लास है, वो अब गुजरात में बनने वाला है। इस घोषणा के बाद महाराष्ट्र के विपक्षी दलों उद्धव गुट शिवसेना ने राज्य की एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। ये महाराष्ट्र के लिए हमारे लिए दुख की बात है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है एक दूसरे राज्य में गई है। कंपनी को और उस राज्य को मैं शुभेच्छाएं देता हूं। उनका कोई इसमें दोष शायद नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी करना था उनकी स्टेट के प्रति उन्होंने किया है। लेकिन यही बात रहती है कि जो इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में 100% आने वाली थी, जो इन्वेस्टमेंट यहां और 160 से 200 कंपनियां लाने वाली थी, लगभग 1 लाख रोजगार की संधियां उपलब्ध करने वाली थी, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट, ये जो कोई व्यवस्था है, मैं इसे सरकार नहीं मानता क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ऐसी सरकार ऐसी इन्वेस्टमेंट को भगा कैसे सकती है, ये तो एक फैक्ट फाइंडिंग की बात हुई। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस प्रोजेक्ट के गुजरात चले जाने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हमारी नई सरकार को आए हुए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। अघाड़ी सरकार ने कंपनी को उचित रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए कंपनी गुजरात चली गई। बताया गया कि इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम से देर रात फोन पर बात की, तो वहीं एनसीपी ने आरोप लगाया कि गुजरात चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी गुजरात के हितों का ध्यान रख रही है। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से नई सरकार को घेरा गया। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र के जो यूथ है, तरुण है, युवक है, उनके लिए रोजगार की एक अच्छी संधि आई थी, अपॉर्चुनिटी आई थी, वो चली गई। हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और गुजरात में यही नहीं, बहुत सारे अच्छे प्रकल्प जो महाराष्ट्र के लिए थे वो गुजरात जा रहे हैं। हमारे सरकार जो है वो गुजरात के लिए काम कर रहा है, ऐसा लोगों का अभी लोगों को लगता है कि ये गलती आपको लगती है किसकी? सरकार की गलती है, ये नए सरकार जो आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट निवेश बताया जा रहा है। इस पर राज ठाकरे ने भी ट्वीट कर सवाल उठाया और कहा कि राजनीति से परे जाकर इसकी जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा सौदा महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात कैसे पहुंच गया। मुंबई से सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।